टू एस एस सी स्मार्ट क्लासेस, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एस एस सी स्मार्ट क्लासेस में। इससे पहले अगर आपने रूल्स नहीं रखे हैं 60 तक, तो आप देख लीजिए। 6 वीडियोस में ऑलरेडी से रिगार्डिंग बना चुका हूँ। अब हम आगे 10 रूल और कर लेते हैं। 100 गोल्डन रूल्स हैं, बहुत ही बेस्ट रूल हैं, इनको करके ज़रूर जाइएगा। लगभग आप 80% जो है एरर रिमूव कर पाएंगे। देखिए, टू नेगेटिव कैंसिल ईच अदर, हैंस टू नेगेटिव शुड नॉट बी यूज इन द सेम सेंटेंस अनलेस वी मेक एन अफर्मेशन। जैसे कि आई हैवंट गोट नन, तो दो नेगेटिव सेंटेंस हैं एंड दे कैन नॉट बी कम टुगेदर। ठीक है, सो नोट हो गया, नन हो गया, तो हमें क्या है, आई हैवंट गोट एनी, नन की जगह क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस एंड यू हैव टू यूज लाइक दिस। द टू नेगेटिव सेंटेंसेस कैंसिल ईच अदर, हैंस टू नेगेटिव शुड नॉट बी यूज इन द सेम सेंटेंसेस। आई हैवंट गोट नन, I have not got any. At present means at the present time. Presently means shortly. This should not be confused. Nothing more can be done presently. So nothing more can be done at present. At present means at present time. वर्तमान में, और presently का मतलब होता है shortly. So nothing more can be done shortly. तो ये तो कोई sentence बना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइम के रेफरेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिएगा, ही विल कम बैक एट प्रेजेंट, ही विल कम बैक शॉर्टली, सिंपल, ही विल कम बैक प्रेजेंटली। नेक्स्ट देखिएगा, हार्ड मीन्स डिलीजेंटली, स्ट्रेनियसली, हार्डली मीन्स स्कार्सली एट ऑल। सो यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड इन दीज टू वर्ड्स। द सेंटेंस इज हिज ट्राई, ही ट्राइड हार्ड, नॉट हार्डली। हार्डली का मतलब होता है बहुत ही कम, वेरी रेयर, बहुत ही कम मतलब दुर्लभता, वो मतलब ऐसा कभी कभार करता है, डेट इज़ कॉल्ड हार्डली। तो ही ट्राइड हार्डली नहीं होता, ही ट्राइड हार्ड टू विन द रेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी हैज़ ईटन हार्ड एनीथिंग टुडे। सो शी हैज़ ईटन हार्डली एनीथिंग टुडे, मतलब उसने बहुत ही कम खाया, हार्डली, नॉट हार्ड। हार्ड खाना थोड़ी होता है। आगे देखिएगा, मच इज़ यूज बिफोर पास्ट पार्टिसिपल एंड एडजेक्टिव और एडवर्ब्स ऑफ कंपेरेटिव डिग्री। वेरी इज़ यूज बिफोर द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री। सेंटेंस से समझते हैं, द न्यूज़ इज़ मच सरप्राइजिंग। द करेक्ट सेंटेंस इज द न्यूज़ इज़ वेरी सरप्राइजिंग। सो दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस, बिकॉज मच इज़ यूज बिफोर past participle and adjective or adverbs of comparative degree. Here is no comparison is there, and very का हम use करते हैं present participles में, because this is a present participle sentence and adjective and adverbs of positive degree. एक और sentence है, I was very surprised at hearing the news. I was, तो present नहीं है ये, पास्ट पार्टिसिपल है। सो यहाँ पे मच यूज़ कर लेंगे एंड द एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। सो इट्स करेक्ट सेंटेंसेस, आई वाज मच सरप्राइज्ड एट हियरिंग द न्यूज़। सो दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंसेस एंड यू हैव टू यूज़ लाइक दिस। 65 देखिएगा, हार्डली इज एन एडवर्ब विच मीन्स रेयरली। हार्डली इज़ एन एडवर्ब विच मीन्स रेयरली, इस मैंने आपको बताया था पहले ही, और ये एक एडवर्ब है। Whereas hard is an adjective, hard ये क्वालिटी है, कोई चीज़ है, नाउन है, उसकी विशेषता बता रही है। लाइक ये स्टोन है, स्टोन, हार्ड स्टोन, सॉफ्ट स्टोन। ठीक है, सो ये आपकी एक क्वालिटी बता रही है, सो उसको डिनोट कर रहा है। सो हार्ड इज़ एन एडजेक्टिव बिकॉज इट टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द नाउन। सो विच मीन्स टफ, रिजिड। सो फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ हार्डली जॉब, नो, इट इज़ अ हार्ड जॉब, बिकॉज यहाँ पे ये जो जॉब है वो आपका क्या है, एक तरह से एडजेक्ट नाउन है, और इसकी एक विशेषता ही बताई जाएगी। नाउन से पहले हमेशा आप एक एडजेक्टिव यूज़ करोगे, कभी भी एडवर्ब यूज़ नहीं करोगे। 66 सेंटेंसेस, एगो इज़ यूज्ड ऑलवेज यूज्ड विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एगो का यूज़ आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। सो इफ़ एगो इज़ यूज इन अ सेंटेंस, द सेंटेंस मस्ट बी इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ केम अ मंथ एगो। द करेक्ट सेंटेंस इज,
बिकॉज़ यहाँ पे आपको कोई भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं लेना है, आपको लेना है पास्ट इंडेफिनिट। बिकॉज़ एगो का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ जो है वो पास्ट में हो चुकी है, एगो पहले। सो ही केम अ मंथ एगो। उसके बाद देखिए 67th यहाँ पे दिया हुआ है। एट प्रेजेंट मीन्स एट दिस शॉर्ट मोमेंट एंड इट इज़ यूज विद प्रेजेंट टेंस वेयर एज प्रेजेंटली एंड शॉर्टली आज यूज फॉर। यहाँ पे ये ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंटली एंड शॉर्टली आर यूज फॉर द फ्यूचर एक्शन एंड जनरली यूज इन द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटली ही इज़ इन द रूम, ठीक है, प्रेजेंटली ही इज़ इन द रूम। नो, एट प्रेजेंट ही इज़ इन द रूम, बिकॉज एट प्रेजेंट मीन्स एट द मोमेंट, इस दौरान, इट इज़ यूज विद प्रेजेंट टेंस। 68 देखिएगा। सो 68 देखिए, अर्ली मीन्स जस्ट आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ एनी थिंग, डेट इज़ कॉल्ड अर्ली। किसी भी चीज़ की शुरुआत के बाद, जस्ट आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ एनी थिंग, एंड सून मीन्स जस्ट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। दोनों में फ़र्क है। अर्ली का मतलब ये होता है जस्ट आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ एनी थिंग, किसी चीज़ की शुरुआत के जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर, डेट इज़ कॉल्ड अर्ली। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब क्या हो गया कि आपके बचपन से जस्ट थोड़ा सा अगले वाला टाइम, थोड़ा सा अगले वाला, नोट लंबा टाइम, थोड़ा सा अगले वाला, अर्ली चाइल्डहुड। एंड सून मीन्स जस्ट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ये टाइम के रेफरेंस को बता रहा है, लेकिन ये आपके एक पल को बता रहा है, मोमेंट को बता रहा है। इट मे बी अ डे, इट मे बी अ वीक, बट इट टेल्स अबाउट एनी टाइम, मतलब बहुत ही कम जो है वो टाइम है, जैसे 2 घंटे हो सकता है, 4 घंटे हो सकता है। सो पॉइंट ऑफ टाइम को ये रेफर कर रहा है सून। फॉर एग्जाम्पल रोज ब्लॉसम्स अर्ली दिस स्प्रिंग, ठीक है, रोज ब्लॉसम्ड अर्ली दिस स्प्रिंग, मतलब बसंत के जस्ट बाद ये जस्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही बसंत है, ऐसा नहीं है कि बसंत आया और ये एकदम से खिलने लगे, नहीं, बसंत के जस्ट बाद, जैसे बसंत आया तो 1-2 दिन बाद जो है वो ये रोज़ जो है वो खिलने लगेंगे। सो दिस इज़ अ सेंटेंस। तो अर्ली का मतलब यहाँ पे ये होता है। 69th देखिएगा, 69th है सेंटेंस विच स्टार्ट विद सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, टेक्स एन इनवर्स स्ट्रक्चर। ये तो सभी को पता होगा, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका हो गया। फॉर एग्जाम्पल सेल्डम आई हैड सीन सच अ ब्यूटिफुल साइट। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ही था कि वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये एक इनवर्स स्ट्रक्चर होगा और वो आपको वैसे लिखना पड़ेगा। पहले वर्ब आप लिखोगे, फिर सब्जेक्ट और फिर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप लिखोगे सेल्डम हैड, ये आपका हैड, तो जैसे कि सेल्डम हो गया हैड आई सीन सच अ ब्यूटिफुल साइट, तो हैड आई सीन, ठीक है, ये वर्ब का स्ट्रक्चर हो गया। फिर आपका ये सब्जेक्ट आ गया और फिर आपका बाकी का जो सेंटेंस होगा, ठीक है। इन्वर्जन इज ऑल्सो यूज इन अ सेंटेंस विच स्टार्ट विद देयर, हेयर, अवे, आउट, अप, इनडोर और आउटडोर एंड मेन वर्ब और ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब इज यूज्ड। तो ये जो 70 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। इन्वर्जन इज़ आल्सो यूज्ड इन अ सेंटेंस विच स्टार्ट विद हेयर। एक्चुअली इन्वर्जन हम एक सेंटेंस में यूज़ तब करते हैं जब हम किसी वर्ब पे मोर बहुत ज़्यादा इम्फेसिस करते हैं, और इन्वर्जन के लिए हम जो स्ट्रक्चर रहता है वो पहले क्या रहता है, पहले आपका मेन वर्ब रहता है, मेन या ऑक्सिलरी कोई भी वर्ब हो सकती है, प्लस मेन या ऑक्सिलरी मतलब कोई भी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर रहता है। तो सेंटेंस मैंने आपको बता दिए, जब भी हेयर, देयर, अवे, आउट, अप, इंडोर, आउटडोर, ये सेंटेंस हो इन्वर्जन। और भी इन्वर्जन के कई रूल्स हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अवे सीता वेंट, तो अवे वेंट सीता, ये करेक्ट हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।